क्लॉथ्स, शूज एंड बैग्स पेश करते हैं कंप्लीट कलेक्शन। सैंडल्स, शूज, हैंडबैग्स, ट्रैवल बैग्स भी। फैंसी डिजाइन, हाई हील्स, कैजुअल, ऑफिस वेयर, डेली वेयर। क्लॉथ्स, शूज एंड बैग्स सेल्फ मैन्युफैक्चर है अफोर्डेबल प्राइस के साथ अप टू 50% डिस्काउंट। तो आज ही आए क्लॉथ्स, शूज एंड बैग्स। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुमरा कौसा शील दीवा टोरेंट के परेशानियों से जूझ रहा है। आज टोरेंट पावर के खिलाफ एमआईएम के कलवा मुमरा विधानसभा अध्यक्ष सैफ पठान, निशान अंसारी, एमआईएम के मुंबई प्रेसिडेंट फयाज खान, नगर सेवक शाह आलम अपने तमाम कार्यकर्ताओं के साथ टोरेंट के खिलाफ मुंह पर काली पट्टी बांधकर आंदोलन किया। ये आंदोलन मुमरा के एम गेट से शुरू होकर भारत गेट टोरेंट ऑफिस तक जाकर खत्म हुई। दरअसल टोरेंट पावर के द्वारा जो बिजली का बिल भेजा जा रहा है उसके खिलाफ एमआईएम का ये आंदोलन था। एमआईएम पार्टी का कहना है कि एमएसईडीसीएल से टोरेंट का रेट काफ़ी ज़्यादा है। आंदोलन के दौरान एमएसईडीसीएल और टोरेंट पावर की यूनिट रेट का बैनर साथ लेकर आंदोलन में चल रहे थे। हालांकि जो एमएसडीसीएल और टोरेंट पावर के यूनिट रेट हैं वो टोरेंट पावर का यूनिट रेट काफ़ी ज़्यादा है। वैसे तो इनकी मांग है कि टोरेंट पावर को रद्द किया जाए और एमएसडीसीएल को चार्ज दिया जाए। वहीं तमाम परेशानियों को लेकर एमआईएम ने टोरेंट पावर के इंजीनियर शेख साहब से मुलाकात की और उन्हें मेमोरेंडम दिया। वहीं लोगों की मांग है कि जो टोरेंट पावर द्वारा लाखों रुपए के बिजली बिल भेजे जा रहे हैं उस पर विचार हो और उसे सुधार किया जाए। इनकी मांग अगर पूरी नहीं हुई तो आने वाले समय में आंदोलन और तेज़ होगा। मगर वहीं शहर में ये भी चर्चा है कि सिर्फ आंदोलन पे आंदोलन हो रहे हैं, चाहे वो सत्ताधारी पार्टी एनसीपी हो या फिर एमआईएम पार्टी हो या फिर बीजेपी। लोगों का ये भी कहना है कि ज़रूरत के हिसाब से सभी अपनी अपनी रोटियां सेक रहे हैं। राजनीति पार्टी वाकई में जनता का दुख दर्द समझती तो वो टोरेंट पावर को आने ही नहीं देती, मगर उन्हें तो सिर्फ अपनी राजनीति चमकानी है। तो आज आप लोग टोरेंट के ऑफिस पर आए थे, यहाँ पर मेमोरेंडम दिए, क्या मांग किए आप? देखिए, आज हमारे सैफ पठान जो है मुमरा के अध्यक्ष हैं, हमारे नगर सेवक जी हैं यहाँ पर। इन्होंने जो टोरेंट के खिलाफ जो तहरीक चल रही है, और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने परमिशन मांगा था बहुत लोगों की, लेकिन 10 से 12 लोगों को परमिशन मिली, इसके लिए शहर नहीं आ पाया क्योंकि हमने अपना काम कर दिया, अपनी बात पहुंचा दी है। और हमारी एक ही कोशिश है कि टोरेंट का जो जुल्म वो ख़त्म हो और टोरेंट के ज़रिए लोगों को सहायता मिले, बल्कि उनको असुविधा ना मिले। और टोरेंट जो है बेइंतहा तकलीफ का बक्सा बन चुकी है। आज लॉकडाउन है, कोरोना है शहर में, और पैसे की आवक है नहीं, उल्टा जावक ही जावक है। आज गरीब आदमी करेगा क्या? ना खाने के लिए पैसा है, हाँ, ना भाड़ा भरने के लिए पैसा है, ना लाइट बिल भरने के लिए पैसा है। उसके ऊपर टोरेंट का अजाब आ गया ये, और उसके ऊपर बेइंतहा अजाब आ गया। सिस्टम से कोई चीज़ हो ही नहीं रही यहाँ पर। तो उसी के हम यहाँ पर आए थे। सैफ पठान ने नगर सेवक ने निवेदन दिया है और कहा कि अगर निवेदन पर आप स्वीकार नहीं किया तो हम उसके खिलाफ एहतजाज करेंगे और प्रोटेस्ट करेंगे। उन्होंने बात सुना है हमारी, हम जिस सर हम गए उनसे बात किए, हमने अपनी बात रखी है और उनसे कहा कि अपने वरिष्ठ को जाके बोलें आप, इससे पहले शहर में अमन अमान खतरे में आ जाए, शहर के लोग रोड पर आ जाएं, इससे पहले आप इसके विचार करो और उसका हमको न्यायपूर्ण जवाब दो। इसको टोरेंट को लेकर जो शहर में मुद्दा काफी गर्म है और लोग बिल से इसके बहुत परेशान है। देखिए ये पूरे पूरे महाराज ये कि राजनीति हो रही है, राजनीति पार्टियां एक दूसरे पर इसका ठिकड़ा फोड़ रही है और इसमें जनता जो है काफी परेशान हो रही है। इसमें राजनीति की बात नहीं है, सिर्फ मुमरा की बात नहीं है, बम्बई शहर की बात भी है, धुलिया की बात भी है, भिवंडी की बात भी है, मालेगांव की बात भी है, औरंगाबाद की है, सब जगह हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि लॉकडाउन से जो परेशानी का सब जनता पीड़ित है उसको सरकार न्याय दे और कम से कम पैसा माफ करें। लेकिन इसके बावजूद जो बात सुनने को तैयार नहीं है, इसके निवेदन ला के हमने दिया है इनको। भाई अब तक इस तरह के कई विरोध प्रदर्शन हो चुके हैं लेकिन अब तक इसका कुछ हल निकलता नजर नहीं आ रहा है, जनता सिर्फ परेशान हो रही है। और आज आप लोगों ने भी इसका विरोध किया है,
तो क्या टोरेंट लग रहा है, आप लोगों की बात मानेगी? इससे पहले भी कई लेटर दिया गया टोरेंट ने, कहा हम कर देंगे, लेकिन अभी तक कोई इसका हल निकलता नजर नहीं आ रहा है। देखिए, हम लोगों ने तो अभी पहली बार इसका विरोध किया, आज धरना दिया है, उसकी भी हमें पूरी तरीके से परमिशन नहीं दी गई। ये बोला गया कि 10 से 12 से ज्यादा लोग हो गए तो हम लोगों पे केस बना दिया जाएगा। तो हमने आज हमारा एक छोटा सा कैडर लेकर, हमारा मेमोरेंडम लेकर के इनसे मुलाकात की, हमारी मांगनी की है, और हमने उसमें साफ लिखा है कि अगर ये मांगनी 15 से 20 दिनों में पूरी नहीं हुई, हमको इसका आउटकम नहीं दिखा, तो हम पूरे शहर की आवाम को रोड पे ला करके इसके खिलाफ धरना प्रदर्शन, बेमुद्दत धरना करेंगे। किस तरह की मांगनी आपने की है, उसके बारे में डिटेल बताइए। देखिए, जैसे आपको पता है कि लॉकडाउन का पूरा माहौल चला हुआ है पूरे हिंदुस्तान में, उस तरीके से मुमरा में भी लोग परेशान है, लोगों की इनकम सोर्सेज बंद है, और टोरेंट के जो 6-6, 7-7 महीने के बिल एक साथ दिए जा रहे हैं, किसी को लाख रुपए का विदाउट यानी रीडिंग के बिल आ रहे हैं, एवरेज बिल बढ़ा के ये लोग दिए जा रहे हैं, तो हमने ये मांगनी की कि वो एवरेज बिल नहीं, रीडिंग से बिल दिए जाए। लोगों को जो तुम लाख लाख रुपए का बिल भेज रहे हो, अगर उनका रीडिंग से बिल है तो उनको पार्ट पेमेंट की सुविधा दी जाए, उसमें जो आप लोग चक्री ब्याज वगैरह मारते वो ना मारा जाए, हमारी आवाम को सुविधा, जिनको मीटर्स के लिए आप परेशान करो, काफ़ी कंप्लेंट्स हमको यहाँ से आवाम की आती है कि हम मीटर, हमारा पहले पीडी हो चुका है, हम अभी मीटर लेने जा रहे हैं तो वो हमको लिख करके दे रहे कि हमको कभी मीटर नहीं मिलेगा, पहले वो 2 लाख का पीडी जो एमएससी डीजल के कर्मचारियों ने पैसा ले करके करके गया है वो हमको करना पड़ेगा, तो उसके लिए हमने कहा है कि वो उनको पीडी जो है उनको नया मीटर आप प्रोवाइड करें, वो एमएससी डीजल का एमएससी डीजल बकाया देखेगी, और जो भी देखिए आप देखिए हाई कंजप्शन रेट के हिसाब से अभी ये लोगों को बिल जनरेट करके दे रहे, तो हमने इनसे मांगनी की कि स्लैब वाइज बिल करके दीजिए। हाई कंजप्शन रेट पे होता ये है कि उस पर ब्याज, उनका जो रेट का जो ब्याज होता है उस पर और ब्याज पड़ करके उनको बिल आ रहा, तो हम बोल रहे कि आप स्लैब वाइज बिल दो महीने के। लोग लॉकडाउन में परेशान थे, पूरे मुख्यमंत्री साहब ने कहा है कि लोगों को थोड़ा यानी रियायत बरती जाए, लेकिन यहाँ पर कोई रियायत नहीं टोरेंट की तरफ से, तो वो सब हम मांगनी लेकर के आज यहाँ आए थे। देखो, इस परेशानी की जिम्मेदार तो मैं यहाँ तक कहूँगा कि जो हमारी सरकार जो थी इससे पहले की, और अभी जो हमारे जो मुमरा के अंदर थे जितेंद्र अवार्ड साहब थे, एनसीपी के लोग थे, अगर ये लोग उस टाइम चाहे होते, क्योंकि अवार्ड साहब ने खुद ये वादा किया था कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम टोरेंट को यहाँ आने नहीं देंगे, तो इसमें अगर ये लोग कोशिश क्यों नहीं किए, ये लोग कोशिश करते तो आज मुमरा शहर के अंदर टोरेंट नहीं आता था। और जो परेशानी आज आप देख रहे हो कि हर शहर के हर गली के अंदर रोज सुबह शाम बेचारे 10-20 आदमी औरतें अपनी बिलें लेके आती है कि भाई हमारी इतनी बिल आई, यहाँ तक कि एक चाली में काम करने वाली औरत है उनकी बिल 1,35,000 रुपये आज आई है। तो इसकी जवाबदारी मैं तो यही कहना चाहूँगा कि हमारे लोकल जो सत्ताधर पार्टी थी, इनने अगर पूरी ताकत के साथ जिस तरीके से लोग ने कहा था कि हम महाराष्ट्र में इतना बड़ा आंदोलन करेंगे कि लोग देखेंगे, कहाँ गया वो आंदोलन? यही वजह है, मैं यही कहना चाहूँगा कि अभी भी वक्त है, अगर आवाम अगर ये हमको सही जवाब हमारा नहीं देंगे तो हमने ये वादा नहीं किया कि हम इतना बड़ा लोग यहाँ पर शिकायत लेके आते हैं, उनका ये भी कहना है कि टोरेंट के ऑफिस में जो रहते हैं ये लोग उनकी शिकायत सुनते नहीं, बोले नहीं, वो हमने उनसे बात किया कि देखो ये इससे पहले एमएससी भी थी यहाँ पे और यही शहर था, लोग बिल भरते थे ना, कोई गुंडागर्दी नहीं थी, कोई उनकी पुलिस नहीं आती थी, ये लोग जो बाउंसर वाउंसर लाते, आज हमने उनकी कंप्लेंट दिया है उनके अधिकारियों को कि भाई जो आप बिलिंग के लिए और कोई काम के लिए भेजते हो तो अपने बाउंसरों को मत भेजो यहाँ पे, लोगों को डराओ धमकाओ मत, डरा धमका के बिलिंग नहीं भरने दिया जाएगा, ये हम लोग ने मांग की उनसे। और दूसरा कि अगर इस वक्त इसके बाद अगर ये नहीं किया तो ये हमने जो परमिशन मांगा था 10-15 लोग का था, शहर के लोग इतना परेशान है ना कि वो हमको बोलने की जरूरत नहीं कि महाराष्ट्र का बड़ा आंदोलन हम करेंगे, शहर के लोग खुद उतरेंगे। अगर ये एक महीने के अंदर यहाँ के लोगों ने कुछ फैसला नहीं किया, टोरेंट वाले ने अगर बिलिंग के सिस्टम को सही नहीं किया, तो हम इसको लेके पूरी तरीके से शहर में उतरेंगे और इसके खिलाफ है। हमारी ये मांग है कि एमएससीबी की जो बिलिंग थी वो बैलेंस बिल वो ये टोरेंट ने लगा के भेजे। दूसरा, एमएससीबी खुद इतना सक्षम है कि वो मुमरा को चला सकती है। आज कितना कर 5 करोड़ की रोज 5 करोड़ की बिलिंग होती थी मुमरा के अंदर से, तो क्या एमएससीबी सक्षम नहीं है क्या? तो मैं ये मांग करूंगा कि एमएससीबी को हम पूरी कोशिश करेंगे, जो टोरेंट ने ये किया है जितना खर्चा किया टोरेंट, अपना पैसा जो निकाले जितना डाली वो निकाल के वापस जावे और एमएससीबी वापस से हैंड ओवर लेवे मुमरा को।